दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों का ध्यान दलितों पर केंद्रित हो गया है। यहां तक कि हरियाणा दौरे पर आए देश के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी दलितों का एजेंडा टॉप पर रहा है। भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस का घेराव कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवा रही है। इनेलो बसपा गठबंधन और जेजेपी आसपा गठबंधन भी कांग्रेस व भाजपा को निशाना बनाकर खुद को दलित हितैषी साबित करने में लगी है। बीती 13 सितंबर को कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के प्रचार से दूर होने के बाद कुछ दिन तो भाजपा चुप रही, लेकिन पिछले एक सप्ताह से भाजपा ने सैलजा के बहाने दलितों का मुद्दा उछालकर कांग्रेस की घेराबंदी कर दी। बीजेपी जहां कांग्रेस से दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर सवाल पूछ रही है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है। हरियाणा में वर्ष 2005 में भूपेंद्र हुड्डा सरकार के सत्ता में आने के बाद दलितों से जुड़ा गोहाना कांड हुआ। इसके बाद हिसार के गांव में मिर्चपुर कांड हुआ। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2014 व 2019 के चुनाव में यह मुद्दा नहीं उठा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के मैदान में करीब 10 वर्ष के बाद दलित समुदाय का वोट बीजेपी से चूटकर पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ चला गया था, जिसके बाद से ही हरियाणा में दलितों के मुद्दे चल रहे हैं। सैलजा प्रकरण के बाद प्रदेश में अगर दलित मतदाता फिर से कांग्रेस से चिटके तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। 2011 के अनुसार हरियाणा में 20.2% अनुसूचित जाति है। प्रदेश के 90 में से 17 सीटें आरक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की संख्या 22.5% और शहरी क्षेत्रों में 15.8% है। अब बात करते हैं हरियाणा के दलित बाहुल्य जिलों की, तो उनमें फतेहबाग 30.2%, सिरसा 29.9%, अम्बाला 26.3%, फरीदाबाद 12.4%, गुरुग्राम 13.1%, 6.9% दलितों की संख्या में शामिल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 68% दलित मतदाताओं ने कांग्रेस आपका समर्थन किया, जो 40% से अधिक की वृद्धि है। केवल 24% दलितों ने बीजेपी का समर्थन किया जो पिछले केवल 34% दलितों ने बीजेपी का समर्थन किया जो पिछले चुनाव के मुकाबले 34% की गिरावट है। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप बीजेपी ने 10 संसदीय सीटों में से 5 को खो दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आप गठबंधन ने 68% दलित वोट हासिल किए, जिससे उसे स्पष्ट बढ़त मिली। लेकिन अब जेजेपी, भीम आर्मी और बीएसपी आईएनएलजी गठबंधन की नजर उन्हीं मतदाताओं पर है। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।